उत्तराखंड के कई इलाकों में वन माफिया जंगल काट रहे हैं। लोहाघाट में बेखौफ वन तस्करों ने कानून की परवाह किए बिना देवदार के 8 बहुमूल्य पेड़ों को काट कर ले गए। वन विभाग और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में एक घर से इस लकड़ी को बरामद किया गया। लोहाघाट में वोट हाउस के पास बेखौफ वन तस्करों ने देवदार के 8 बहुमूल्य पेड़ों को काट डाला। प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। शनिवार को इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटने की सूचना मिलने पर वन विभाग व प्रशासन की टीम आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंची। मुआयना करने पर टीम को एक घर के भीतर से डंपकी हुई लाखों रुपए की देवदार की लकड़ी व पेड़ काटने की मशीन मिली, जिसे टीम ने सीज कर दिया। मौके से वन तस्कर फरार हो गए। आदर्श कॉलोनी में कुछ अवैध पेड़ कट रहे हैं, उसकी हमने जाँच कराई। जाँच में पुष्टि हुई है, हम सभी मौके पर भी हैं। अभी वन विभाग भी हमें मौके पर है। 8 पेड़ देवदार के कटे हुए हैं और कुछ लकड़ी बरामद हुई है और बाकी की ढूंढ की जा रही है। इसमें जल्दी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।